आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। कोरोना जंग जीतने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन, बीके आनंद एसडीएम। नवागंतुक एसडीएम बीके आनंद ने औपचारिक वार्ता के दौरान क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण कराने की अपील की है। उन्होंने बताया, कोरोना से जंग जीतने का एकमात्र उपाय कोविड वैक्सीन का टीकाकरण है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। कोविड महामारी से बचाव के लिए देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित देश के सेलिब्रिटीज और अन्य प्रसिद्ध लोगों ने टीकाकरण कराया है। जिला कलेक्टर सहित समूचे जिले के सभी अधिकारी टीकाकरण करा चुके हैं। अपनी, परिजनों व बच्चों की कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए टीकाकरण केंद्रों में कर वैक्सीनेशन कराने की लोगों से अपील की। कोरोना जंग जीतने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन, बीके आनंद एसडीएम। सर, राजस्थान भाग को बड़ा मलहरा में आप वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को क्या अपील देना चाहते हैं? वैक्सीनेशन के को लेकर हमें, हमारा यही कहना है कि अधिक से अधिक लोग जो है वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप कोरोना के बीच में रहेंगे और कोरोना से जंग लड़ सकते हैं। एकमात्र उपाय यही है और यह लोगों को समझना होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग भ्रमित ना हों, लोग झांसे में ना आएँ और लोग किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। इससे हमने भी लगवाया है, कलेक्टर साहब ने भी लगवाया है, माननीय सीएम साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी लोग लगवा रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोग लगवाएं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत फीवर आता है वो, जो कि एक नॉर्मल कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं तो आता है फीवर, और वो अच्छी बात है। तो इस तरह की चीज़ों से भ्रमित ना हो, अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं। जहाँ तक कल का सवाल है, कल जैसे 400 वैक्सीन लगवाने का हमारा टारगेट है बड़ा मलहरा सब डिवीज़न में, तो उसमें 4 हमारे केंद्र बनाए गए हैं। चारों केंद्रों में मेरी अपील यही है कि को वैक्सीन जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है, जिनको सेकेंड डोज लगना है, वो सभी व्यक्ति इन 4 केंद्रों में आकर, किसी भी केंद्र में आ सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो हमारा का व्यक्ति है वो बड़ा मलहरा नहीं आ सकता, वो किसी भी केंद्र में जाके और वहाँ वैक्सीन की सेकेंड डोज जो है वो लगवा ले। और फ्यूचर में जब भी वैक्सीन लगे, हमेशा आगे बढ़ चढ़ के वैक्सीन अवश्य लगवाएंगे।